श्लोक महल्ला पहला। जे मोह का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे, अग्रे वस्याने पितरी चोर करे, वडिये हथ दलाल के मुसवी ए करे, नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे घाले दे। मल्ला पहला। ज्यों जोरु सिर नावणी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर। सूचे ए ना आखिए बैंज पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए। सतारवीं पौड़ी, जिस दे नाल संबंधित दो श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे। प्रथम श्लोक विच उस धारणा दा जिक्र कीता है जिस दे विच एक बड़ी पुरानी मनोत चली आ रही है कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुन करिए, भोजन अन्न वस्त्र तां ओ पितरां नूं पहुंच जांदे ने। इह प्रथा जो चलाई गई है, चलाण वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, तां ही जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नू, और उसनू पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश विच प्रचलित हुई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत् साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते ने, उन्हां दी अपनी बाणी विच कोई इतिहास नहीं है, उन्हां दा अपना इतिहास भी नहीं है, सिद्धांत। तो गहरा नजरिया बड़ी पहनी दृष्टि चाहिदी है ता जाके किधरे गुरु नानक दी गल समझदे चाहुंदी है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी दा भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को मुवे श्राद्ध कराई, पितर भी बपरे क्यों कर पावे कौआ कूकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग का भोजन नहीं ते मरण तो बाद श्राद्ध, विशेष ढंग का भोजन। और आख्या जाए कि पितरां नूं शांत करन वास्ते करदे पया, कि पितरां दी पूर्ति वास्ते श्राद्ध पै करांदे हां, और जे दावा ए होवे कि वाकई पहुंचदा है, हर हालत विच पहुंचदा है, तां गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ ते खड़ी है वो गल करदे ने। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे, जे कोई चोर किसे दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे ते उस धन नाल श्राद्ध करावे, चोरी दे धन नाल जो चुरा के लियाया है, सन ला के लियाया है, उस पैसे दे नाल श्राद्ध करावे, पितरां दे निवित देवे। कि जे हुण आख्या जाए वह वाकई पितरां तक पहुंचदा है और अगे बकायदा रब्बी विधान दे मुताबिक पहुंचदा है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या ते कह दईए कुछ जानदा है। अगर वो सब कुछ जानदा है तां अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे, अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई,
उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया तो वस्तु ते चोरी भी हो गई ते जिसनू दित्ती है वो भी चोर बना ले जाणगे। अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे जे पितरां दे निमित चोरी दा दान अर्पण कीता है तो फिर पितर चोर हो जाणगे। अगे अगर वाकई अगे पहुंचदा है और वाकई अगे साव सुजान है अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया दा कानून इस गल नूं मंदा है कि चोर ने जो चोरी की थी उते गुनाह है पर जो चोरी दा समान अपने कोल रखे या वेचे ए भी गुनाह है ए भी जुर्म है। इस नुक्ता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखदे ने। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त कीता है किसी दा घर सन ला के किसी दे घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध कीता है अपने पितरां दे निमित दान पिया करदा है। महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ लेकिन ए मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा दा नियम और परमात्मा बहुत सियाणा है तां फिर अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे फिर ते अगों वस्तु दी पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है और पितर भी चोर बना ले जाणगे। क्या पितरां दे निमित कुछ भी नहीं भेजिया जा सकता उन्हां नूं कुछ भी नहीं दिता जा सकता। इतनी गल ते स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है विचारां दी पहुंच बड़ी दूर तक है याद दी पहुंच बड़ी दूर तक है। किसे नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए भावे ओ 3-4 हजार मील की दूरी पर होवे तां देखण दे चाया है वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने पता नहीं किस जन्म दे किस जोन दे किहड़े लोक दे उन्हां पितरां दे निमित अगर कुछ भेजना है देना है अर्पण करना है तां परमात्मा दा नाम जपिए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं याद बड़ी दूर तक पहुंचती है इस तरह प्रभु चिंतन प्रभु दा सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुरु दी बाणी जय सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं पर किस ढंग नाल उन्हां दे निमित श्राद्ध करा के अन्न वस्त्र दे के पैसा पानी दे के भोजन छका के। महाराज कहने नहीं इसके नाल तो उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है जो वस्त्र ले रहा है जो पैसा ले रहा है उसका ही कल्याण होया है पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा ना गुरु नानक मनदे ने ना ही भगत कबीर मनदे ने और कोई दार्शनिक जिदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण से भी पूरी उतरती होगी वो कतई इस गल नूं नहीं मनेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उस नूं पहुंचे जो मुद्दत हुई मर गए और पता नहीं किस जोन दे पता नहीं कित्थे है तो ये धन किस तरह पहुंचेगा ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे। अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है कुछ भेजना भी चाहता है तो शायद कहना हां दिता जा सकता है भेजिया जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे चाहे कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने महापुरुष ने उन्हां दे बोल काबू च कीते जान खला दे जो मौजूद ने इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर
ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਪਰ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਸ਼। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਾਧ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਾਪ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਨ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਤਰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਮੇਰਾ ਧਨ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਰਨ ਝੂਠ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਅਨਰਥ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਾਧ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਲਾਲ ਕੌਣ? ਅਰਦਾਸੀਆ, ਵਿਚੋਲਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾ ਲੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਦੇਹੀ ਕੁਛ ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲੇ, ਕੁਛ ਜਪ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਤਪ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਰਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਧ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ। ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਹਵਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਨਰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਰਾਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਖਾ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਈ ਗਾਲ ਨਾ ਖਾਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखी है, बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ये सूचे नहीं, जो तरह तरह दे तीर्थां दा इशनान करन या दो वक्त रोज इशनान करन, बस्तर साफ पहन लेन, मन लवांगे तन सुचा होया है। इहदे नाल मन दी सुचेन दा की मतलब, मन सुचा हुंदा है सच नाल, तन सुचा हुंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहिंदे सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, ज्यों जो रू सिर नावणी आवे वारो वार। जिवें इस्त्री दे सिर दे उत्ते प्राकृतिक नियम दे मुताबक एक नियमावली चलदी है जिहनूं महावारी कहिंदे ने, और उन्हां दिनां विच साडे देश ते बनी हुई परंपरा दे मुताबक कह दिंदे ने इस्त्री झूठी है, गालबन तीन दिन ना भोजन बना सकती है ना परोस सकती है, और उसनों तीन दिन चौके विच भी जान की इजाजत नहीं। अज भी जो पुराने संस्कारां दी मनोत दे जी रहे ने, वो इस्त्री नूं चौके विच नहीं जान देंदे भी तू कम से कम ये तीन दिन ते अपवित्र है। जबकि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये प्राकृतिक नियम के मुताबिक है, अगर इस तरह की नियमावली दे नाल स्त्री अपवित्र हो गई है तो अपवित्रता परमात्मा झोली विच पा रहा है, अपवित्रता ईश्वर झोली विच पा रहा है। तो जो अपवित्रता किसी की झोली च पा रहा है वह खुद पावन नहीं हो सकता, खुद पवित्र नहीं हो सकता। इस वास्ते गुरमत गुरु नानक देव जी महाराज स्त्री नूं इस रूप विच झूठा नहीं मनते। वो इस रूप विच भोजन बना भी सकती है, परोस भी सकती है, भजन भी कर सकती है, इत्थे प्राकृतिक नियम है। आखिर है शरीर के अंदर भी तो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। गुरु नानक की दृष्टि इत्थे बहुत पैनी है। इस वास्ते आप कहने ज्यों जो रू सिर नामणी आवे वारो वार, मीनिंग दे मेन है जैसे स्त्री दे सिर देते ए नाउन आउंदा है और उन्हों झूठा कह दिता जांदा है, ए अपवित्र है, गालबन तीन दिन ते लाजमी ही अपवित्र है। पर महाराज कहने उसनों झूठा आखो, झूठे झूठा मुख फसे, नित नित होए खुआर। जिदे मुख दे झूठ है गलत बयान नहीं है, जिदा मुंह झूठा है यही अपवित्र है, जो गलत बयानी कर रहा है यही अपवित्र है। स्त्री नूं झूठा कहना उसके प्राकृतिक नियम के मुताबिक एक दौर चलता है, पर मनुख ने फैसला कर लिया कि अपवित्र है, जबकि प्रकृति ने ऐसा फैसला नहीं किया। प्रकृति ने, परमात्मा ने और सतपुरुषा ने यह फैसला जरूर किया, जिदे मुख विच झूठ है वह झूठा है, वह अपवित्र है, वह जिस चीज नूं छोएगा जिथे बैठेगा झूठी खले देगा, अपवित्र है। इस वास्ते महाराज कहते ने झूठा वह है जिदे मुख विच झूठ वसदा है, झूठी वह स्त्री नहीं जो प्राकृतिक नियम के मुताबिक जो है नावना करती है, इशनान करती है। झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुआर, सूचे ए ना आखिए, बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसे आसोए। अपना तन जो तरह तरह दे जल दे नाल धोंदे ने, इशनान करदे ने, महाराज कहते ए सुचे नहीं। सुचे ओ ने जिन्हां दे मन विच सच वस गया है, ईश्वर वस गया है। बीजक नामक ग्रंथ विच भगत कबीर जी का एक बड़ा कीमती बोल है जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच नहीं है, क्योंकि बीजक ग्रंथ विच भगत धनी राम दे भी बोल ने जो कबीर पंथ दे उगे प्रचारक होए ने। कबीर जी तो बाद कबीर पंथ के प्रचार की तमाम जिम्मेवारी भगत धनी राम ने ली। धनी राम ने जितनी भी रचना रची उस अपना नाम ना वरत के भगत कबीर का वरत्या।
और चूंकि उन्होंने गद्दी ते सन तो विधान के मुताबिक भी आप उन्होंने नाम वरत सकते सन। आप दे बड़े कीमती बोल आप कहने जट बढ़ाए जो नर तर है मोर क्यों ना तर है जिनके लंबे लंबे पर है। कहने कि जटावा बोर का दुध पा के बनाईया जांदियां ने इस कुदरती ने, लेकिन जटावा कुदरती नहीं ने। जटावा बोर का दुध पा के बनाईया जांदियां ने और बोर के दुध नाल सिर दे केस बड़े लंबे हो जाते हैं। 10 फुट 15 फुट तक भी लंबे ये केस जोगियां देखने नूं जो है मिल रहे हैं। तो धनी राम कहंदे ने जट बड़ाए जो नर तर है मोर क्यों ना तर है जिनके लंबे लंबे पर हैं गंग नहाए जो नर तर है मेंढक क्यों ना तर है जिनके गंगा में घर है। तू तो एक दिन ही स्नान करना है, दो दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, पर जो दिन रात गंगा दे चाह रही ने मछलियां मेंढक इन्हों का पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए। इतने गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, इतने दिन रात गंगा दे विच रहे। तर्क नहीं कर रहे धनी राम, भगत कबीर जी दे भी बोल रहे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर। आप कहते ने कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीर पर बिन हर भजन न मुक्त होए इनके रमे कबीर। पावे तू कुटिया गंगा दे तट से बना लवे निर्मल जल पीवे ते स्नान करें पर बिना हरि दे नाम तो बिना सच दी धारणा तो तेनु मोक्ष गति दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहने ने जट बड़ाए जो नर तर है मोर क्यों न तर है जिनके लंबे लंबे पर हैं गंग नहाए जो नर तर है मेंढक क्यों न तर है जिनके गंगा में घर हैं शंख बजाए जो नर तर है गधे क्यों न तर है जिनके शंख जैसे सुर हैं कहत कबीर सुनोरे संतो वही नर तर है जिनके हृदय में हर है। पार उतारा उन्हीं दा होंदा है जिन्हां दे हृदय विच परमात्मा दे नाम दा वासा होवे। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तीर्थां दा इशनान एक चंगी वाइब्रेशन विच एक चंगे माहौल विच कुछ दिन बसर करना तो ठीक है, एक चंगे वातावरण विच जा बैठना एक गल ते चंगी है, लेकिन एक डुबकी ला के कह देना कि सारे पाप ले गए ने उतर गए ने साहिब कहंदे एक झूठी कल्पना तो इलावा और कुछ नहीं है। काम क्रोध पंचा के वसरे तीर्थ नाय कहें सब उतर है। पन्ने चंडाल तेरे अंदर ने ते डुबकी ला है ते कहने मोक्ष गति दी जो है प्राप्ति होवेगी, ऐसा हो नहीं सकता। एक आम धारणा है कि जरा बनारस विच मर जाए वो शिमा दी पुरी च जांदा है उन्हों मोक्ष गति दी प्राप्ति होंदी है। बनारस विच रहिंदा होया कबीर इस सिद्धांत नाल सहमत नहीं। आप कहंदे ने मनो कठोर जे मरे बनारस नरक ना बांचे आ जाई हर का संत मरे हलंबे तिन सगली सैन तराई। अगर हिरदा कठोर है ते बनारस विच मर गया है कुंभी नरकां च जाएगा, पर जे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है ते जे किधरे मगहर विच भी मर जाए वो अपने संगी साथियों नूं भी पार करेगा भाव उन्हां नूं भी चंगी प्रेरणा दे जाएगा। कबीर दा अंत मगहर दे च होया है। जो गोरखपुर दे कोल एक छोटा जिहा कस्बा है उस बारे ये धारणा है कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो खोते दी जोन विच जाएगा। तो कबीर ने दावा कीता मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते दी जोन विच भी नहीं जावांगा। उन्हां दे अपने बोल सगल जन्म शिवपुरी बिताया मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल भाई सारा जीवन ते मैं बनारस विच बतीत कीता है पर हुण मैं मरण लगा मैं मगहर विच मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हिरदे विच अगर कोई कठोरता है मलनता है ते बनारस विच मर के भी मुक्ति नहीं, अगर हिरदा पावन है तो मगहर विच मर के भी प्रभु दी प्राप्ति है, राम दी प्राप्ति है, ईश्वर दी जो है प्राप्ति है।
गल सारी प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखा कि कबीर दी समाध दे उते एक पास एक मजौर बैठा है, एक पास एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहंदे रहे हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मूला छाड़े दो। भाई मैं दोहां नू छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नू छड़ दिता है, फिर मेरा कौन है जिस तो मैं प्रेरणा पे लेना, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनु शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनु समझाई जा रहा है, और उस करके मैनु समझ पई है कि वो जद हिरदे विच वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक विच यही कुछ फरमान पे करते ने, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ, वो नदी नालिया दे तट ते ने, सरोवरां दे तट ते ने। तीर्थ एक नहीं 68, और ये देश भी नदी नालिया दा देश है। सब तो ज्यादा दरिया इत्थे वगदे ने, नदियां वगदियां ने, झीलां ने, सरोवर ने। इस देश ने प्रभु प्राप्ति दा जो सागन दसिया, तीर्थां दा इशनान, सरोवर दा इशनान, दरियावां दा इशनान, और इशनान एक नहीं, कुछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए। जैसे माघी दा इशनान, इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम है आए सुन सबना नु करदान। ये वाकई तो इशनान करना है, अपने आप नु पावन करना है, पवित्र करना है। तो जिथे सत पुरुष बैठे ने, सत नाल जुड़े हुए, सत दी उमंग विच जो बैठे ने, सत दी तरंग विच जो बैठे ने, उन्हां दे चरणां दी खाक नु मस्तक ते ला, उस धूड़ दा इशनान कर। क्या इत्थे तर्क नहीं खड़ी हो सकती कि धूड़ दा इशनान? हां, जद मनुख नाम जपदा है, बंदगी करदा है, तो कहने सूक्ष्म तरंगा धरती नु छूंदियां ने, मिट्टी पावन होंदी है, खाक पावन होंदी है, और दुनिया भर दे धार्मिक विद्वाना ने मन लिया है वो खाक खाक नहीं रह जाती, वो ते अक्सीर हो जाती है। इसे नु शेख सादी साहब ने कहा है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बेनी इब्तिदा ता इंतहा। जे आद तो लेके अंत तक तू असलियत नु वेखना चाहना है, ता जो औलिया है, जो अल्लाह नाल जुड़िया होया है, उदे पैरां दी खाक नु मस्तक ते ला, अपने बदन दे ला, ये ऐसा पावन गुसल होवेगा कि तेरी रूह पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्नता दे घर दे चाहे ते आप नंद लाल नु कहण लगे, साडा जी करदा है तेनू कुछ दे ईए, पर ऐसा ना होवे साडी देन कुछ होर होवे, तेरी मंग कुछ होर होवे, इस वास्ते तू स्वयं मंग ते असी देईए। क्योंकि जिस नाल प्यार होवे, जो चंगा लगन लग पवे, उन्हों कुछ देन नू जी करदा है, जिस नाल नफरत ते घृणा होवे उहदे कोल खोण नू जी करदा है। सहज करने के तू मैनू बहुत प्यारा लगदा है, तेरी सेवा, तेरी जीवन शैली, तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जप ते तेरा तप, आए हुए सत्संगियां दी सेवा जिस ढंग नाल तू करदा है, नंद लाल मेरी प्रसन्नता मेरी खुशी तेरे नाल है, पर हुण तू कुछ मंग मैं तेनू देया। नंद लाल हाथ जोड़ के कहने, प्रभु जद मैं इस दर ते आया सी बड़ियां ही ख्वाहिशां नाल भरे आया, बड़ा तनाव, बड़ी मंग, लेकिन सहजे सहजे ये बोझ लै गया। आम विचारवान कहते ने कि जितनिया नाजायज गलत ख्वाहिशा ने
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੇ ਬਸ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਤਨੇ ਪਾਵਨ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ, ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ, ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਸੁਲਫਾ, ਗਾਂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਬਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਧਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਘੋੜੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿਚ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਐਸੇ ਹੋਵਨ ਕਿ ਪਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵਨ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਲ ਪਾਸਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਕੋਠੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਸਾਰੇ
चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। जो मन चाहुंदा है उस चीज नु वर्तना है, थाना है, हंडाना है की जो मन भाउंदा है। पर साहिब कहंदे ने हर बुझन नाही हारिया। इस तरह दे बंदे हरी नु बुझदे नहीं, हरी नु समझदे नहीं, हार जांदे ने जीवन दी बाजी। जीवन मिलिया सी जितन लई हार जांदे ने, जीवन गवा छड़दे ने, लेकिन देखण दे चाया है तृप्ति नसीब नहीं होंदी। तृप्त मनुख ही जीवन जेतु है और तृष्णालु मनुख ही जीवन दी बाजी हार जांदा है। यही कारण है कि धर्म दा मूल गुण भी संतोख ही मन लिया गया है। विचारवान दार्शनिक लोग अधर्म दा मूल अवगुण बुनियाद दस दिन असंतुष्टि, ते धर्म दा मूल संतुष्ट संतोख। असंतुष्टियां तीन तरह दी आउंदियां ने, दो दा संबंध संसार नाल है ते दो दा संबंध परमार्थ नाल है। जिहड़ियां संसारिक असंतुष्टियां ने उहने परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, तीसरी जिहड़ी परमार्थिक असंतुष्टि है उहनू कहिंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। बस होर कोई असंतुष्टि है ही, अगर कोई मनुख असंतुष्ट है तो परिवारिक तल ते असंतुष्ट होएगा या व्यवहारिक तल ते असंतुष्ट होवेगा या फिर व्यक्तिगत अपने आप विच असंतुष्ट होवेगा। परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है, क्योंकि मनुख ये सोच रहा है जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे मां बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारिक तल से असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनिया च उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ उदे दिल दिमाग दे उपर होवेगा, क्योंकि असंतुष्ट है। और ये परिवारिक असंतुष्टि कलेश का बायस बनती है। ग्रह कलेश ते घर का कलेश, घर का दुख कितना वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोक विच इसका जिक्र किया है, गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयं तोरंगं दुखं ग्रह चिंता जनमंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा होवे, हिमालय दी चोटी तो गिरंत गिर पदत पाताल खड विच गिर रहा होवे, पाताल विच गिर रहा होवे, पहाड़ दी चोटी तो जलंत दे दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा होवे, सड़ रहा होवे, शोले बल दी अग उहदे च जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दीआं लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है, दुख है, महाराज कहिंदे ने दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरणं, इन्हां सारे दुखां नालों भी घरेलू कलेश जिहड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है। घर दी जिहड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है, क्यों कि ये जन्म ते मरण दा कारण बनदी है। बार बार
जमा दी मार दा एक कारण बनती है, जबकि जल विच मनुख डुब गया मर गया पांच दस मिनट का कष्ट, अग विच सड़ गया दस वी मिनट की तकलीफ, पहाड़ की बुलंद चोटी तो थले गिरे है, हड्डियां चूर चूर हो गई ने, तड़पे है अद्धा घंटा घंटा बस इन्नी तकलीफ, पर ग्रह कलेश जेड़ा है घरेलू कलेश घरेलू विपता झगड़े ये इतने वड्डे कलेश नू जन्म देंदे ने, कष्ट नू जन्म देंदे ने कि मनुख बार बार जमदा है बार बार मरदा है और हर जन्म विच दुख भोगदा है और दुख विच मर जांदा है। दुख दी यात्रा बहुत लंबी हो जांदी है उस मनुख दी जो घरेलू कलेश विच जी रहा है। ते घरेलू कलेश विच कौन है जो असंतुष्ट है? इस तरह दे मनुख नू कहिंदे ने परिवारिक तौर ते असंतुष्ट। सारी दुनिया विच ये असंतुष्टि व्यापक है, कोई अपनी मां तो असंतुष्ट, कोई अपने पिता तो, कोई अपने बच्चियां तो असंतुष्ट, कोई अपनी पत्नी तो, कोई अपने पति तो, कोई भिरावां तो असंतुष्ट है, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहिंदा जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसिया मेरिया भैणा होनिया चाहिए सन वैसिया नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनू कहने ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है अपनिया असंतुष्टिया च उलझिया रहेगा फसिया रहेगा और रोज रोज ए असंतुष्टि अपना वजन वधाएगी अपना भार वधाएगी और मनुख इसे ही बोझ दे थले दब के रह जाएगा फस के रह जाएगा। परिवारिक असंतुष्टि तो बाद दूसरी असंतुष्टि है व्यवहारिक असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है जैसी मेरी उपजीविका है जैसी मेरी आमदन है मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनु कहने ने व्यवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि व्यवहारिक असंतुष्टि ये दो असंतुष्टियां इतनिया प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन विच होवेगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर पे रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर पे संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नां है परिवारिक असंतुष्टि व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनु कहिंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है इस तरह के बंदे नु भगत कहिंदे ने साधक कहिंदे ने। ये परिवारक तल ते संतुष्ट है कहिंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे मां बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है जैसा पति है ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। ये अपने आप विच असंतुष्ट होंदा कहिंदा हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने परिवारिक असंतुष्टि व्यवहारिक असंतुष्टि
व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां देच सारा संसार घूम रहा है, पारिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर देच कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। कि कलेश पैदा होता इथों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नूं जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां विच भिरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भिरा दूसरे भिरा ते संतुष्ट नहीं है। इस नूं कहिंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जांदा है। इस तरह दे बंदे नूं किसे होर दोजक दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजक है जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारक असंतुष्टि, ऐसे मनुख का धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच अपने व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रालभत ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया कम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नु जन्म देंदी है, सच नु जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु, बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रालब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। बाबा फरीद कहंदे ने, मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु, तेरे ते कोई दोष नहीं, जे तेरी कृपा तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकया, तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकी, तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस विच मनुख इस ढंग दी साधना करदा है कि अपने आप नू महान बनांदा है, पात्र बनांदा है, ते जिस दिन पात्रता बन जांदी है उस दिन परम आनंद दी प्राप्ति हो जांदी है। जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि च फसिया होया है, वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ ही प्राप्त कर लवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि जिंदगी दी बाजी हार जाएगा, भावे बहुत कुछ प्राप्त कर लवे कि ना कुछ प्राप्त कर लवे। महाराज कहंदे ने, तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवार। घर विच घोड़े ऐसे होवन, असवारी दे साधन ऐसे होवन कि हवा नाल गल करन, और घोड़ियां दे उपर काठियां पईयां होवन सोने दियां। हर तरह दे रस ते रंग दे नाल हरमा नूं सवार लिया जाए। मनुख अपने हरम विच मन भाव दे पदार्थां नूं रख लवे ते पवन नाल गल्लां करदे हुए घोड़े फिर उच्चियां उच्चियां माड़ियां कोठे ते मंडप, कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे करपा सारिया बहुत लंबा पसारा। बड़िया बड़िया हवेलियां, बड़िया बड़िया उच्चिया इमारता। दरअसल जमीन देते जद मकान उच्चा उठता है, इहदे च मनुख अपनी उच्चताई समझ लैंदा है, मैं उच्चा उठ गया। यही कारण है कि मकान नूं उच्चा उठाना चाहता है। हुण मकान ही उच्चा नहीं उठया, मैं भी उच्चा उठ गया। मेरा झंडा ही उच्चा नहीं होया, मेरा धर्म उच्चा हो गया,
मेरा व्यक्तिगत जीवन उच्चा हो गया है, मेरा समाज तल उच्चा हो गया है, मेरा देश उच्चा हो गया है। इस वास्ते कहिंदे ने कि माड़ी कोठा नीवा नहीं चाहिदा, उच्चा चाहिदा है, झंडा उच्चा चाहिदा है, बुलंद चाहिदा है। बुलंद झंडा बुलंदी दी निशानी जो है बन जाता है। तो साहिब कहिंदे ने ये उच्चिया उच्चिया माड़िया किसी हद तक हर व्यक्ति दे अपने अपने झंडे ने, जो इसने जमीन दते गाड़े हुए ने जगत नु दसन लई कि ये मेरा झंडा है और इतना उच्चा है, इतना बुलंद है। महाराज कहने अगर इस तरह का भी किसी ने पसारा किया हो, बड़े वड़े वड़े महल कोठे मंडप ते माड़िया ते उना दे हर तरह का हार शिंगार मौजूद हो, हर तरह का रस मौजूद हो, असवारियां लई घोड़े बूए ते बने पए होन, अस्तबल विच मौजूद होवन जो हवा नाल गल करदे होवन। फिर सतगुरु कहिंदे चीज करन मन भावदे, जो मन चाहे खाण नू, जो मन चाहे पहनण नू, जो मन चाहे देखण नू, हर तरह का साजो समान वो मुहैया कर लवे, प्राप्त कर लवे। इधर मन विच इच्छा पैदा होई, इधर उसकी पूर्ति हो गई। मनुख दे प्राणा विच इसकी बड़ी प्रबल प्यास है कि मेरी इच्छा तत्क्षण पूरी होनी चाहिए, उस विच देर नहीं लगनी चाहिए। एक कल्पना दी गौ भी मनुख ने बनाई है जिन्हों कहिंदे ने काम धेन गौ, जो तत्क्षण कामना की पूर्ति कर देंदी है। इधर कामना करो इधर पूरी हो गई। इस तरह कल्पना का एक वृक्ष भी बनाया है जिन्हों कहिंदे ने कल्प वृक्ष, इधर कल्पना करो तो इधर इस दरख्त ने सारियां कल्पनावां दी पूर्ति कर दिती, सारी इच्छावां दी पूर्ति कर दिती। तो मैं इस करां समूह ब्रह्मंड विच कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिदे थले बैठो कल्पना करो ते तत्क्षण पूरी हो जाए। गौआं ते ने पर काम धेन गौ कल्पना दी गौ है, वृक्ष ते बथेरे ने पर कल्प वृक्ष वाकई कल्पना दा ही वृक्ष है। क्योंकि मनुख की कल्पना के अंदर बार बार ये दौर चलता है कि कुछ ऐसा होवे कि मैं इच्छा करा कि तत्क्षण पूरी हो जाए। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी गौ, कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र होवे कि जिसके सामने मैं देखा और इच्छा करा तत्क्षण पूरी हो जाए। तत्क्षण इच्छा कोई भी नहीं पूरी होंगी, वक्त लगता है, समा लगता है, और उस दे लई सबर चाहिदा है। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा है कि सबर एव सुभाव जेतू बंदा दृढ़ करे, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाहा। साबर बंदे सागर दी तरह हो जांदे ने, छोटे छोटे नदी नालियां दी तरह नहीं, उते महान हो जाते हैं। पर साहिब कहने चलो ऐसा भी हो जाए कि मन देच जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसकी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी हो जाए, उसे वक्त उस इच्छा दी पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसे होया मनुख है महल माड़िया विच तरह तरह के हरमा विच, महाराज कहते उस नूं हरी दी सूझ नहीं आउंदी, हरी दी समझ नहीं आउंदी, ते इहदे नाल की होंदा है वो अपना जीवन हार जांदा है। एक जुवारी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार देंदा है। इतिहास विच ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी स्त्री हार देंदा सी जुए देच, पर ए ते बहुत बड़ा बदकिस्मत है कि ते अपने आप नु हार के चले है। भगत कबीर कहंदे ने चले जुआरी दोए हथ झार, ये दोवे हथ झाड़ के जुआरी जा रहे है, ये चार कंधिया ते कौन जा रहे है, ये मरगढ़ घाट की तरफ कौन जा रहे है,
ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੇਤੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜਾਰ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਹਿਲਤ ਮਹਿਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਨਮ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਹਥਿਆਇਆ ਉਸਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਨਮ ਚੇਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ ਅਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਚ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲ ਜਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕੇਗੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੈਰ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਟਿਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਚ ਹੈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
मरना भुल ही गया और दृष्टि चारों पासे संसार विच भटक रही है। एक दिन ऐसा होया कि जर आई बुढ़ेपा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जोबन हारिया। जर आई जोबन हारिया, जर बुढ़ेपा आया है, इन्हें जवानी नू हरा दिता है। अक्सर असी ऐसा सुनते हैं ते देखते हैं कि जवानी बुढ़ेपे नू हरा देंदी है। अगर एक बुढ़ा एक जवान तो लड़न तो स्पष्ट है जवान जीत जाएगा, बुढ़ा हार जाएगा। एक बुढ़ा होवे एक जवान होवे जवानी जीतेगी। एक बुढ़ा दौड़ लावे एक जवान दौड़े, बुढ़ा रह जाएगा पीछे, जवान अग्गे निकल जाएगा। पर साहब कहंदे ने बुढ़ेपा वास्तविक अपने आप विच इतना प्रबल है, जद किसे ते आउंदा है जवानी हार जांदी है, जोबन हार जांदा है, जोबन दे उपर ही टूट पैंदा है बुढ़ेपा। व्यक्तिगत तल ते जद बुढ़ेपा आउंदा है, जर अवस्था आउंदी है, जवानी रुखसत हो जांदी है, जवानी नूं मिटा के रख देंदा है। इस वास्ते देखण दे चाहे कि जीवदियां जीवी मनुख दो दफा मरदा है। किसी जवान नूं पुछीए तेरा बचपना किथे गया, कहिंदा मर गया। किसी बुढ़े नूं पुछीए तेरी जवानी किथे गई, कहिंदा मर गई। ते जवानी नूं किसने मारिया, बुढ़ेपे ने। बचपने नूं मारिया जवानी ने, ठीक है जवानी बलवान है बचपने नूं मार गई, पर एक पासे बुढ़ेपा इतना बलवान है जवानी नूं मार गया। साहिब कहिंदे जर आई जोबन हारिया, इधर बुढ़ेपा आया इधर जवानी हार गई, ते जैसे जवानी हार गई ए हरम बेमजा हो गए, ए महल माड़ियां बेरसियां हो गई, ए रूप रंग सब बेरसे हो गए, सब फिक्के पै गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कि तू वास्तविक व्यक्तिगत असंतुष्टि नू पैदा कर, ताकि तू अपने अंदरों परमात्मा नू प्रगट कर सकें ते परमात्मा नू प्राप्त कर सकें।